हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, से क्वेश्चन किया गया है कि साइनोबैक्टीरिया जो धान का खेत होता है उसके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं, उसके लिए किस तरह से उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं धान को। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो धान के खेत में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। उसको फिक्स करने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में बदल देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में बदल देते हैं। तो सॉल्युबल फॉर्म में जब बदल देते हैं तो उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट की रूट उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। जब तक वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है तब तक कि वो प्लांट के लिए यूजलेस होता है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है फिर उसको वो फिक्स करते हैं। मतलब ये कि उसको सॉल्युबल फॉर्म में बदल देते हैं या इस फॉर्म में बदल देते हैं कि वो प्लांट के यूज़ का हो जाता है, प्लांट अब उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट उसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, एक तो ये कि उसमें फिर जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो सॉइल को न्यूट्रिएंट बना देते हैं। दूसरा, इस तरह से भी फायदा पहुंचाते हैं कि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर वो ऐड कर देते हैं जिससे कि उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो जो पैडी का खेत होता है, जो धान का खेत होता है, पैडी फील्ड होता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये एक तरह का बायोफर्टिलाइज़र हुआ, ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो पैडी के खेत के लिए, धान के खेत के लिए बायोफर्टिलाइज़र हुआ। बायोफर्टिलाइज़र का एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल में मिलाए जाते हैं, और एक बायो फर्टिलाइज़र होते हैं जो एक तरह से लिविंग फर्टिलाइज़र है और वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है जिससे उसमें प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है। तो साइनोबैक्टीरिया पैडी के खेत के लिए, धान के खेत के लिए बायो फर्टिलाइज़र होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।